सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जो लोग जानते हो कि जॉब वेबसाइट की सीरीज चल रही थी और मैंने तीनों पार्टों के अंदर बता दिया आप लोगों को जॉब वेबसाइट बनानी कैसे है, उसका एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाला हूँ कि आप लोग जॉब वेबसाइट के अंदर कंटेंट कैसे लिखोगे और डेली कंटेंट कैसे लाओगे, नई नई आइडियाज़ कहाँ से लाओगे कंटेंट लिखने के। ठीक है, जॉब वेबसाइट के अंदर डेली पोस्ट कहाँ से ला पाओगे आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे यार अगर नए होना प्लीज़ यार छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, 952 ऑलरेडी हो चुके हैं, बस 48 सब्सक्राइबर कम है हमारे 1K होने में, तो आई नो आप लोग कर दोगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो फटाफट से 1K कंप्लीट करते हैं, आते हैं लाइव स्ट्रीम। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों जैसे कि लोग जानते हो कि ये मेरी वेबसाइट है sarkari.gov.online। ठीक है, यहाँ पे मैं डेली पोस्ट अभी तो नहीं डाल पाता फिलहाल। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, एक्चुअल में वीडियो वगैरह करना होता, साइट को मैनेज करना होता, बहुत सारी चीज़ें होती मेरे पास करने के लिए। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे पेज पोस्ट डाल पाऊँ। ठीक है, और ये एडसेंस अप्रूव्ड साइट है। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऐड लिमिट लगी हुई है एडसेंस की। ठीक है, अभी कुछ दिनों से बात चल रही है एडसेंस वालों से, कुछ दिनों में ऐड लिमिट हट जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहा था कि पोस्ट कैसे लिखनी है। ठीक है, आप लोग अगर मेरी वेबसाइट पर जाते हो, अभी लेटेस्ट पोस्ट अपलोड हुई है जो कि आज ही है, 16 तारीख की पोस्ट है। ठीक है, 16 तारीख के अंदर ही मैंने आज ही की दिन मैंने ये पोस्ट अपलोड की है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ONGC रिक्रूटमेंट ONGC। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हो उसकी। ठीक है, जो वेबसाइट की ऑफिशियल फोटो है, एंड यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखी है कुछ इस तरह से। ठीक है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल प्रोफेशनल में लगेगी आपको पोस्ट। अप्लाई ऑनलाइन फीस क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे स्केल ठीक है एड्रेस। ठीक है, अब ये सारी पोस्ट मिलेंगी आपको, आप डेली कंटेंट कैसे लिख पाओगे गाइज, तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको गाइज। ठीक है, पोस्ट को लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या टारगेट करना है, दूसरी वेबसाइट्स को कैसे टारगेट करोगे। एग्जांपल जैसे कि sarkarizult, ठीक है, sarkarizult.com, ये पहली वेबसाइट हो गई। ठीक है, दूसरी freejobalert.com, तीसरी हो गई यहाँ पे examsdaily.in। ठीक है, ये तीन वेबसाइट्स हैं, वैसे भी बहुत सारी वेबसाइट हैं लाइक freshlife.com, मतलब जॉब की आपको बतेरी वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन वेबसाइट के अंदर आके आपको एक काम करना है। ठीक है, डेली अगर डेली कंटेंट लिखना है तो डेली ये काम करना होगा, डेली आना है एंड चेक करना है भाई कौन सी वेबसाइट के अंदर कंटेंट अपलोड हुआ है आज की डेट में। एग्जांपल लेटेस्ट अपलोड, जैसे लेटेस्ट अभी जॉब्स यहाँ पे लिख ली हरियाणा में। ठीक है, आपको क्या करना होगा गाइस, इसकी पोस्ट को खोलना पड़ेगा। ठीक है, खोलने के बाद आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, कॉपी नहीं करना, बस आपको क्या करना होगा यहाँ पे हरियाणा की उसमें जाके आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन, ठीक है, इसको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, बस गाइस अब सारा कंटेंट आप यहीं से लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर ये हिंदी में तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर इंग्लिश में है तो ऑलरेडी हिंदी में है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट आपको उठा के पोस्ट में जाना है एंड यहाँ पे अपना पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, जब भी आप कंटेंट लिखोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो इतना मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पूरा नहीं उठ पा रहा, फ़ोन से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, कंप्यूटर में थोड़ा लैग करता है इस चीज़। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया इतना, सबसे पहले नोटपैड में जाना है। ठीक है, नोटपैड में जाने के बाद इतना कर देना, यहाँ से देखो ये इस चीज़ कट गई, थोड़ी बहुत जो चीज़ें कटनी थी कट गई। ठीक है, इसकी कोडिंग वगैरह हट जाएंगी एंड कॉपी करके तब अपनी साइड में पेस्ट करोगे तो आसानी से पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आके कहीं पे पेस्ट कर सकते हो। अब आर्टिकल लिखना है कैसे आप लोगों को, सबसे पहले क्या करना है, आप लोग जिस वेबसाइट के ऊपर मतलब जिस भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखने वाले, लाइक ये वाली वैकेंसी लिख ली इस वेबसाइट के अंदर, देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPC। ठीक है, तो इसका क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है सबसे पहले, क्योंकि हमें इसकी फोटो लेनी है। ठीक है, हमें फोटो अपने खुद से बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट में जाके। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे एंड वहाँ से क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वेबसाइट लोडिंग ले रही है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आप फोटो स्क्रीनशॉट बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ फोटो लेने के लिए, यहाँ पे मैंने एक फोटो का स्क्रीनशॉट ऐप डाउनलोड कर रखा है इसके अंदर PC के अंदर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट वाले ऐप डाउनलोड कर सकते हो इसमें। ठीक है, क्रोम ब्राउजर के अंदर एक्सटेंशन, बहुत सारी एक्सटेंशन मिलेगी आपको, वहाँ से डाउनलोड करके जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ऑफिशियल जो फोटो होगी वो सेव हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो इसको बाद में आप एडिट भी कर सकते हो या डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपकी फोटो होगी कॉपीराइट नहीं आएगी और फोटो एक वेबसाइट को रैंक कराने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे डाउनलोड मैंने कर ली फोटो को, तो कितना आसान था मतलब फोटो वगैरह डाउनलोड करना। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो जॉब के लिए मतलब वेब पोस्ट के लिए आप फोटो निकाल सकते हो। ठीक है, उसी वेबसाइट की जो आपकी रेगुलर पोस्ट होगी। ठीक है, जो भी लेटेस्ट पोस्ट लिख रहे होगा आप उसके ऊपर फोटो निकाल के एंड आर्टिकल लिखना कैसे है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, जिस पोस्ट में लिख रहे हो उसके ऊपर पहले सबसे पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है आपको। ठीक है, वही वाला टाइटल आपको कॉपी कर देना है। ठीक है, आप जाना है उसके उसमें नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में क्या करोगे, अब जाने के बाद क्या करना है आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, इसका जो नीचे का हिस्सा होता है ना, स्टार्टिंग का पार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग का पार्ट आपको कॉपी करना है। लाइक ये वाला पार्ट हो गया, द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इन्वाइट्स यू पब्लिक एलिजिबल फॉर कैंडिडेट एंड 269। ठीक है, तो इतना पार्ट कॉपी करके आपको यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक वैकेंसी तक कर लेना है। ठीक है,
इतना करने के बाद आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जाना है अपने नोटपैड में एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपकी जितनी भी वो मतलब हेडिंग वेडिंग होगी वो सब कट जाएगी, ठीक है। तो इसको दोबारा से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जाएंगे अपने पेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मतलब अपना एरिया जो भी है अपना सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से मतलब मेरी इतनी पोस्ट हो गई, ठीक है, एग्जांपल यहाँ तक मतलब पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली मतलब पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपने हिसाब से अपना कटपिट कर लेना, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर कर रहे हो तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसे करके मतलब आगे पीछे कर लेना, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप कर सकते हो, ठीक है, एक आर्टिकल लिख सकते हो। जो थोड़ा बहुत लैग वगैरह आ रहा है मतलब उसको देख लेना एक बार, पोस्ट में वापस जाना, यहाँ पे जो जो गलती मतलब हो रही है इससे मैच कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैच करके अपना ठीक ठाक से कर लेना, ठीक है। लाइक ब्रांच वगैरह हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ब्रांच के आगे जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे वर्ड्स एक आध गलत हो गए हैं, क्यों कट जाते हैं थोड़े वर्ड्स, कॉपी करते हैं इसमें, ठीक है। प्रिंट पीडीएफ में भी कॉपी करते हैं, हमारे कुछ वर्ड्स कट जाते हैं। तो इनको ऐसे करके काट के मतलब बराबर आपको कर लेना है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट थोड़ी सा एडिटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे डॉट गया है तो डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब अब इस तरह से प्रोफेशनल लग रही है हमारी पोस्ट, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जो जो चेंजेस है थोड़ी बहुत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको एक तरह का फॉर्मेट बनाना है यहाँ पर, लाइक अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, लिख लेना है। एंड ऑनलाइन फीस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या पे स्केल और एड्रेस, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें आपको लिख लेनी है। ज़्यादातर चीज़ें तो अप्लाई ऑनलाइन हो गया, एक ऑनलाइन फीस हो गई, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, तीन चार चीज़ें मतलब होती है। और एक और होता है हाउ टू अप्लाई, ठीक है, वो भी आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है इसमें से, ठीक है। इसमें से जितना का चाहे उतना कर सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा करोगे तो बेटर रहेगा। इनमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी लिखी हुई, ठीक है, पीडीएफ के अंदर। आप जाओगे इजीली यहाँ पे देखोगे, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। कॉपी जितना चाहे उतना कर सकते हो, ठीक है। बट ये आपको कब करना है, जब आपकी साइट फुली एडसेंस अप्रूव हो जाएगी तब, उसके बाद ही सारी चीज़ें करना, ठीक है। क्योंकि पहले करोगे तो एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको लिखने के लिए, लाइक एलिजिबिलिटी हो गई आपके लिए, ठीक है। तो इस पार्ट को उठा के आपको मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट उठा के आपको कॉपी करके अपनी साइट में यहाँ पे पोस्ट करते वक्त कॉपी करके बस सक्सेसफुली यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। सबसे पहले नोटपैड पे जाना है, उसको पेस्ट करना, उसके बाद यहाँ पेस्ट करना, ठीक है। तो मतलब बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। ईजिली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आपको जस्ट फॉर्मेट बनाने, लाइक ऐसे वाला मतलब वर्ड्स लिख लेना, अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन फीस, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल्ड कर रखा है, इन लोगों रेड कलर कर दिया इन पे, ठीक है। बहुत आसान है यहाँ से बोल्ड करना, ठीक है, रेड कलर करना बहुत आसान है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से इसको सबको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे एक मैं हटाता नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने इंटरलिंकिंग भी कर रखी है, अपनी दूसरी पोस्ट को भी ऐड कर रखा है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लाइटर लिख दिया, आई होप सो यू लाइक दिस पोस्ट एंड, ठीक है, इस तरह का लिख सकते हो आप लोग। और टैक्स में गाइस, टैक्स से रिलेटेड डालोगे, जब भी आप जॉब पोस्ट लिखोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे टैक्स डालोगे, ठीक है। ONGC रिक्रूटमेंट 2021, इसको इटैलिक कर देना है सिलेक्ट करके, पहले उस पर सिलेक्ट ऑल कर रखा है मैंने, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे बोल भी और इटैलिक भी कर रखा है, तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता जॉब पोस्ट में, ठीक है। सारी चीज़ें कॉपीड होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। कॉपी भी करना मैंने बता दिया तरीका आपको, किसी वेबसाइट पे नहीं करना कॉपी। आप जस्ट टारगेट कर सकते हो कोई भी नई वेबसाइट पे, जैसे sarkaridal.com पे डेली अपडेट आते हैं, आप लोग जानते हो, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। और यहाँ पे भी फ्रेश लाइफ पे भी आपको डेली अपडेट मिलेंगे, आपको जैसे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और वहीं से कॉपी पेस्ट करना है अपनी साइट में, ठीक है। और इसमें एग्जाम डेली में भी आपको डेली यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, भर भर के पोस्ट मिलेंगी। जस्ट आपको इतना सा प्रोसेस करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो बहुत आसान है, मतलब जॉब पोस्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं भी इसमें यही करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ONGC का मैंने भी यहाँ से उठाया है, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे एड्स है वो रन नहीं हो पा रहे यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में एड लिमिट लगी हुई है, ठीक है। तो इतना ही था, क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि जॉब पोस्ट कहाँ से लें, कैसे लिखें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, किसी वेबसाइट पे जाना है पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वहाँ पे बस इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने हिसाब से लगा लेना, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसकी वेबसाइट का, उसको फोटो के जरिए बना सकते हो, ठीक है। फोटो अपलोड करके बना सकते, जैसे कि मैंने इसमें लगा रखा है, ठीक है। तो ये अपलोड होने के बाद आपकी कैसे लगेगी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। मस्त लग रही है मतलब मेरी साइट के अंदर, तो ऐसा आपकी साइट के अंदर भी लगेगा, ठीक है गाइस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, क्योंकि एक आइडिया था, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता था इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं सिखाना चाहता था यहाँ पर, ठीक है। एक आइडिया देना चाहता था बस कि आपको पोस्ट कैसे लिखनी है, ठीक है। डेली आप दो तीन वेबसाइट टारगेट कर लो, ठीक है, वहाँ पे आपको डेली पोस्ट मिलेगी। sarkaridal.com हो गई, फ्री जॉब अलर्ट हो गई, ठीक है, एंड ये वाली क्या नाम है इसका, exams.in, ये तीन वेबसाइट हैं, इनको भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। डेली आप पोस्ट लिखने के लिए भर भर के आपको डेली का पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे भारत।